के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मैंने अभी अभी यही बताया कि जो कल अभी तक जितनी डेथ दिल्ली में हुई है उसमें से ओमिक्रॉन की एक भी डेथ कंफर्म नहीं हुई है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, देखो पिछली वेव में और इस वेव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे, आज उसका पांचवा हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे तो उस टाइम पे 6,000-7,000-8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे, इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज़ वेरी लेस, सीवियरिटी इज़ वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं, सारे बैंकेट हॉल बंद हैं, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं, जिम बंद हैं, जितनी भी दुकानें हैं अल्टरनेट खुल रही हैं, मॉल अल्टरनेट खुल रहे हैं, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं क्योंकि बेड ऑक्यूपेंसी अभी बहुत ही कम्फर्टेबल है, तो अभी लगता नहीं है कि लॉकडाउन की ज़रूरत है। वैसे भी एहतियात के तौर पर कल शाम से 3 दिन के लिए, मतलब मंडे मॉर्निंग तक के लिए कर्फ्यू रहेगा पूरी दिल्ली में, और मुझे लगता है अभी इतने स्ट्रिंजेंट जितने एक्शन लिए गए दे आर सफिशिएंट। लेकिन जो संख्या बढ़ी है लोगों के मन में कहीं ना कहीं से डर उपज रहा है, क्योंकि जो पूरे भारत में जो केसेज आए 90,000 से ज़्यादा केस आए एक दिन में, दिल्ली में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। देखो दिल्ली के अंदर सबसे पहले मैं बता दूँ कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं, हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारे यहाँ केस ही नहीं है। अगर हम 90,000 केस टेस्ट ना करें और 9,000 करें तो आपके ये नंबर घट के 1,500 रह जाएंगे। तो टेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होने से पता होना चाहिए, और टेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई आपको पता लग गया आप पॉजिटिव है, अपने घर में रहिएगा 7 दिन, 7 दिन घर में रहेंगे ठीक है, अच्छी बात, औरों को नहीं फैलाएंगे। सर पोल बाउंड स्टेट्स खासकर पंजाब में भी टेस्ट जो है उसमें कमी लाई गई है, तो आपको नहीं लग रहा है सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन हो सके इसलिए ऐसा किया जा रहा है और अब वर्चुअल रैलीज की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए इस बारे में मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है, मैं अपना बता सकता हूँ कि हम देश के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद के नंबर दिल्ली में बढ़ रहे हैं, टेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ा रहे हैं। बाकी राज्यों से हम इस बारे में कोई कमेंट मुझे करना ठीक नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए बता देंगे क्यों कम किए हैं, कैसे कम किए हैं। वर्चुअल रैली का सर हो सकता है क्या कि नेता वर्चुअल रैली करें ताकि भीड़ ना जुटे और लोगों के घर तक संदेश पहुंचे? आप मुझसे ना इलेक्शन कमीशन का पार्टी मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन बता पाए। एक और सवाल है सर, पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में हेल्थ केयर वर्कर्स की पॉजिटिव आने की खबर आ रही है, डॉक्टर्स और नर्सेज भी पॉजिटिव हो रहे हैं, LNGP में, RML में, तमाम जगहों से खबर आई है, तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई कंसोलिडेटेड नंबर्स है एज टू हाउ मेनी हेल्थ वर्कर्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव? एग्जैक्ट नंबर ऐसा नहीं है कि भाई, ना ही ऐसी कोई अलग कैटेगरी है कि हेल्थ केयर वर्कर को अलग से किया जाए, जैसे मैन वीमेन का अलग अलग होता है, एज वाला होता है, उसमें ऐसा कोई कॉलम नहीं है अभी तक। हाँ परंतु कुछ हैं हमारे अस्पतालों में कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स हुए हैं, बट इतना अलार्मिंग नहीं कह सकते क्योंकि जब सोसाइटी में फैल रहा है तो सब प्रपोर्शनेट ही है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो रहा हो। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट 12-14% है, तो 12-14% सभी को होगा। लेकिन RML में कल जस्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने खुद कहा 10-15% तक उनके यहाँ पॉजिटिविटी रेट चला गया आगे हेल्थ केयर वर्कर, तो क्या ये कंसर्न हो सकता है आने वाले दिनों में? अभी तक तो सिचुएशन में कोई खास दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। सर एक तीर्थ यात्रा योजना चल रही थी उसको भी रोक दिया गया है कैसे? हाँ इसकी वजह से अब चल नहीं सकता थोड़े दिन, इसलिए बंद किया गया। सर एक बार आप कर्फ्यू का कुछ बता दें लोगों की जानकारी के लिए, क्या कुछ उस समय चलेगा, क्या कुछ भी पाबंदियाँ रहेंगी? कर्फ्यू के अंदर जैसे नाइट कर्फ्यू होता है सब कुछ बंद रहेगा, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लागू रहेंगी। केंद्र सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उनको हमने टच नहीं किया है, कोर्ट्स के जो कर्मचारी हैं उनको टच नहीं किया है, पर बाकी दुकानें बंद रहेंगी, सारे शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, सिनेमाज बंद रहेंगे, पब्लिक एक्टिविटीज सारी बंद रहेंगी, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, ऑफिसेज बंद रहेंगे, सरकारी भी प्राइवेट भी। केंद्र सरकार के ऑफिसेज के लिए हमने कुछ नहीं कहा है कि केंद्र सरकार की मर्जी है, वैसे सैटरडे संडे को उनके ऑफिस बंद ही होते हैं तो ज़्यादा। फिर ट्रेन और मेट्रो की क्या कुछ कैपेसिटी रहेगी, कितनी कैपेसिटी? ट्रेन और मेट्रो चलेंगी पर वो तो उनकी फ्रीक्वेंसी, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहेगी। सर कर्फ्यू के दौरान सर किन लोगों को DM ऑफिस से पास बनवाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं ज़्यादातर के आई कार्ड पे चल जाएगा, जैसे मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों को अलाउड है तो अपना आई कार्ड दिखा दीजिए, उससे काम चल जाएगा आपका। सर एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है जो वर्किंग क्लास है उसके बीच में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, हाउस हेल्प हो या रिक्शा पुलर्स हो, ये लोग अभी क्या एग्जम्पशन लिस्ट में होंगे, आपसे बाहर होंगे?
नहीं देखिएगा, जो घरों के अंदर तो हाउस हेल्प के लिए तो अलग से एग्जम्पशन नहीं होगी, और सिर्फ दो ही दिन की बात है, सैटरडे एंड संडे दो दिन काम चला लीजिएगा। सर अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है क्या? महाराष्ट्र ने बंद कर दी है जीनोम सीक्वेंसिंग, हो रही है सैंपल्स, कुछ सैंपल्स की, सबकी नहीं हो रही है, क्योंकि पहले जब हमने कहा था सारों की होगी तब तक 300-400 केसेस से भी कम थे, क्योंकि अब नंबर्स 10,000-15,000 पर डे है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मकसद बता देता हूँ, उसका मकसद था कि क्या ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में आया है नहीं आया है। अब ये कन्फर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन आ चुका है, ये भी कन्फर्म हो चुका है कि ज़्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हैं, तो अब मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि आप उस पर जाएँ कि हम कौन सा पेशेंट ओमिक्रॉन है कौन सा नॉन ओमिक्रॉन है। ऑल कोरोना आर कोरोना, सारे कोरोना कोरोना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है कि अल्फा है कि बीटा है। थैंक यू। ताज़ा हालात पर जानकारी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली में ओमिक्रॉन से मौत को लेकर के जो जानकारी उन्होंने दी है, टेस्टिंग ज्यादा इसीलिए कैसे केसेस ज्यादा आ रहे हैं, हम टेस्टिंग लगातार करवा रहे हैं इसलिए नए नए आंकड़े नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में ओमिक्रॉन से मौत की अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी जा रही है, और साथ ही लॉकडाउन को लेकर के जो हर किसी के मन में सवाल है, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कई सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसे रिलीज किया जाएगा, और अभी हालात को देखते हुए और भी ज़्यादा कड़ाई की जा सकती है। फिलहाल जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है उसमें एसेंशियल सर्विस वाले जो लोग हैं जैसे कि मीडिया है, मेडिकल, एम्बुलेंस और इन तमाम चीज़ों, ये पास और अपना आई कार्ड दिखा करके वहाँ से उन्हें आने जाने की इजाज़त मिल सकती है, लेकिन बेवजह वीकेंड पर कोई भी बाहर घर से नहीं निकलेगा वरना पुलिस बड़ा एक्शन ले सकती है। फिलहाल दिल्ली में अगर बात करें तो बहुत केसेस एक्टिव हैं, 10,000 से ज़्यादा केसेस मिल चुके हैं कोरोना के, जिस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम रोज़ाना कई ज़्यादा टेस्ट करवा रहे हैं इसलिए नए केसेस मिल रहे हैं। दिल्ली में कोई भी लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगेगा, जिस बात का डर दिल्ली वासियों को था उसको लेकर के ये साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन फिलहाल दिल्ली में नहीं लगेगा।